सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आई होप ड्रामा आप इंजॉय कर रहे होगे। तो एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बस क्लाइमेक्स चल ही रहा है, जल्दी ड्रामा एंड हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट ड्रामा जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं एपिसोड 28। सो एलपी किंग तो इस वीणा की ताकत को संभाल नहीं पाया था, उसकी स्टिंग को तोड़ नहीं पाया था, तो वो ड्रैगन किंग के पास आता है, बोलता है तुम मेरी मदद कर दो। सो बोलता है कि तुम ये सब खुद क्यों नहीं कर लेते। तो एलपी किंग बोलता है अगर मैं ये खुद ही कर लेता तो तुम्हारे पास नहीं आता। तो उसके बाद बोलता है क्या तुम इसके पावर को सहन कर पाओगे। तो बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम बस बजाते जाना, रुकना मत मेरे दर्द को, मतलब समझ रहे हो ना, उसके दर्द मेरे दर्द को देख के रुकना मत। देन उसके बाद वो उस वीणा को बजाना स्टार्ट करता है और उससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ड्रैगन किंग बोलता है क्या मैं रुक जाऊँ, बोला मैंने बोला ना नहीं। दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है, तभी वहाँ क्यों किंग आ जाती है। ड्रैगन किंग क्या कर रहे हो तुम, वो मर जाएंगे, आपको पता नहीं है इनके सूल को भी हर्ट होता है जब वो ऐसा होता है, तो प्लीज़। और मैं आपको कितनी बार बताऊं, मुझे अब मेरे स्कार से कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जस्ट एक मिट्योरी तो है। तो हाँ ये भी तो एक स्टिंग ही है ना। सो उनका रोमांस चालू हो जाता है तो ड्रैगन किंग देख के स्माइल करता है, बोलता है भाई तुम लोगों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना है मुझे। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सो अपने क्यों क्यों बोलती है प्लीज़ दोबारा अपने आप को हर्ट मत करिएगा, इसे यूज़ मत करिएगा, मैं अपने मेट्योर के साथ खुश हूँ। सो उसके बाद वो बोलता है कि रुकिए मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, आप चाय पीजिए और ठीक हो जाइए। सो जब एलपी किंग चाय पी रहा होता है तो वो बोलता है क्या मैं इतना फ़नी लग रहा हूँ, तुम मुझे देख के हंस रही हो। तो बोलता है नहीं, आपका हर लुक मैं आज जब भी देखती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस बात से भाई एलपी किंग दिल का गार्डन गार्डन हो जाता है। उसके बाद वो जादू से उसे अपने पास बुला लेता है, मतलब समझ रहा है, गोद में ले लेता है। सो उसके बाद वो भाई तो क्या मैं कर सकता हूँ ऐसे, वो परमिशन लेता है। उसके बाद वो जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है उसके बाद खांसना स्टार्ट कर देता है। सो अपनी क्विंकिंग बोलती है पहले आप अपना ध्यान रखिए, देखिए अपने आप को, आप कितने कमज़ोर हैं, पहले आप ठीक हो जाइए उसके बाद हम क्या, उसके बाद हम कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं जा रही हूँ यहाँ से। उसके बाद वो शर्मा के भाग जाती है और एलपी किंग भाई वो भी अपना हंसने लगता है। सो इनकी स्टोरी तो जा चुकी थी भाई, मतलब सही हो चुकी थी, लेकिन चिन्यू और अपना ड्रैगन किंग की स्टोरी, क्योंकि थर्ड ट्रिब्यूशन होने वाला था, मतलब 3 जन्म उसे अभी भी उससे दूर रहने थे, मतलब अपनी चिन्यू के साथ दूर रहना था, तो ये उसका 3रा जन्म चल ही रहा था। देन अपने उसके अंकल की बेटी आ जाती है तो उसे देख के वो बहुत खुश हो जाती है। सो पूछती है मतलब कौन है, तो बोलती है ये मेरी प्यारी सी बेटी है। सो उसका अंकल भी यहाँ पर समझाता है कि अब तुम्हारा भी टाइम हो गया है, तुम्हें भी अपनी फैमिली बना लेनी चाहिए। तो उसके बाद वो शर्मा जाती बोलती हाँ हाँ अंकल ठीक है मैं समझ रही हूँ। अरे समझ नहीं रही, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें जब भी मिलूँगा मैं तुमसे यही कहूँगा, समझे कि नहीं। हाँ हाँ ठीक है आप जाइए जाइए। सो उसके बाद वो अपने ड्रैगन किंग से बोलती है कि अंकल सही तो बोल रहे हैं, एक बार युद्ध ख़त्म हो जाए सो मैं भी अपनी फैमिली बनाने के बारे में सोचेंगी, तुम्हारा क्या ख्याल है। लेकिन अपना ड्रैगन किंग कुछ भी नहीं बोलता है भाई, क्योंकि वो जानता है कुछ भी कर ले इस जन्म में भी वो उसके साथ नहीं रह पाएगा। सो उसकी सारी यादें फिर से घूमती हैं और वो दोनों मिलकर युद्ध लड़ना स्टार्ट करते हैं साथ ही साथ। और उसके बाद जो अपना जियांग होता है वो आके अपने दिल की बात अपनी चिन्यू से करता है, बोलता है कि तुम जानती हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्रेम और स्नेह है, सो क्या तुम मेरे फीलिंग्स को एक्सेप्ट करोगी। तो वो बोलती है कि जान देखो मेरे दिल में कोई और बसा हुआ है। सो यंग बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने तुम्हें इतने दिन से देखा है, तुम मुझे मना कर सकती हो, मैं सहन कर सकता हूँ, पर तुम ऐसा बहाना मत बनाओ। देन वो बोलती है कि कैसे मैं तुम्हें समझाऊँ, कोई है जो मुझे दीने मतलब पहले दिन से ही मुझे इतना खास लगने लगा है, तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिल जाएगा एक दिन, तुम्हारे जैसी कोई अच्छी तुम्हें उससे भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी तुम्हें मिल जाएगी। सो उसके बाद जियांग बोलता है कोई बात नहीं ठीक है। सो दूसरी तरफ अपना ड्रैगन किंग खड़ा रहता है और अपनी चिन्यू सोचती है, मतलब बस उसे देखती है और सोचती है कि कब हम एक हो सकते हैं। सो एक दिन जैसे वो हर बार पहाड़ी पे जाके कुछ ना कुछ चिल्लाती है, बात करती है, तो वो फिर वो बोलती है ड्रैगन किंग तुम आखिर मुझे दिखते क्यों नहीं हो, मुझे पता है तुम मेरे आस पास ही रहते हो पर तुम मुझे दिखते क्यों नहीं हो, क्या करूँ मैं, क्या तुम मेरे सामने आ जाओ। देन उसके बाद एक बटरफ्लाई जो होती है वो उड़ कर आती है। सो वो समझ जाती है कि ड्रैगन किंग है कुछ ही मुझे कुछ कहना चाह रहा है। सो वहाँ पर अपनी चिन्यू बोलती है कि ठीक है
अब मैं दोबारा तुमसे कभी नहीं कहूँगी कि मेरे सामने आ जाओ, ज़रूर कुछ तुम्हारी मजबूरी होगी, बस मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो। और उसके बाद वो पुराने ख्यालों में खो जाती है, मतलब वो समझ जाती है कि ड्रैगन किंग आसपास है और कुछ ना कुछ उसकी मजबूरी है भाई, इसीलिए वो ये सब नहीं बता पा रहा। देन उसके बाद वो लोग युद्ध पे युद्ध लड़ते हैं, समय बीता चला जाता है और मुझे तो लगता है कि इस जन्म में भी वो लोग एक साथ नहीं हो पाएंगे। सो एक दिन युद्ध के बाद वो बोलती है कि तुम्हारे घाव बहुत ही जल्दी भर जाते हैं। तो वो बोलता है नहीं, मेरे बस छोटा सा ही घाव था। तो वो पूछती है कि आखिर तुम मुझे कब तक प्रोटेक्ट करोगे। सो अपना ड्रैगन किंग बोलता है कि हमेशा के लिए, मेरी पूरी ज़िंदगी आपके लिए है। सो वो बोलती है कि वो तो जानती है कि भाई तुम ही ड्रैगन को किंग हो। तो वो बोलती है कि ठीक है, पर अगर तुमने अपना वादा कभी तोड़ा तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा दूंगी। सो भाई मतलब फाइनली इनका भी समय, मतलब दिख रहा है कि इनका भी स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अपनी चिनियू भी अपनी पूरी मतलब ये ज़िंदगी बिताएगी, लेकिन कभी भी ड्रैगन किंग के साथ नहीं हो पाएगी, ना ड्रैगन किंग उसके साथ हो पाएगा, ना ही अपना फीलिंग्स बता पाएगा। सो अब हमें वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट जन्म का, जो कि उसका ड्रैगन किंग का थर्ड ट्रिब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट में डेफिनेटली वो उसके शादी करने ही वाली होगी, या फिर करेगी, या फिर अब भाई कुछ अलग ही ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि इतने सारे ट्विस्ट भाई मैंने किसी ड्रामास में नहीं देखे। अगर आपने देखे हैं तो कमेंट में मुझे बताओ। तो फाइनली इसका चिनियू का भाई जन्म, मतलब ये जीवन जो होता है वो कम्प्लीट हो जाता है और वापस वो वहीं LP में जाती है। सो वापस से आपको सब चीज़ पता ही होगा क्या ही होने वाला है। देन वो बोलती है क्विंकिंग, तो उसके पता चलता है कि क्विंकिंग भी है, एक ब्लू बर्ड है, और ये जो चीज मतलब जो था ये भी LP का किंग है। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। तो इसके बाद बोलती है कि मतलब यहाँ पे भी भाई मतलब क्या ही चल रहा है। सो चिनियू फिर अगेन बोलती है कि इस बार मैं इसको फिर से पीऊँगी नहीं, पीऊँगी तो मैं तुम्हें भूल जाऊँगी। तो ड्रैगन किंग बोलता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हें इस बार पक्का फाइंड कर लूँगा और इस बार हमें हमारी तुम्हारी शादी ज़रूर होगी। तो अपनी चिनियू बोलती है तो इस बार फिर से हम धरती पे जाएंगे, हमारे मतलब शादी होगा, तो क्यों ना हम यहीं पर शादी कर लें। तो उसके बाद यहाँ पर वो लोग अपने शादी के लिए चले जाते हैं और अपना ड्रैगन किंग उसे अपना लव टोकन दिखाता है, जो उसके दो जन्म जो बीते थे उसमें उसके जो जो लव टोकन थे उसने वो सारे लव टोकन उसे दिखाया था कि ये देखो ये पहले जन्म में तुमने ये दिया था, दूसरे जन्म में तुमने मुझे ये दिया था। ये सब देख के वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती कि इतने समय से तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हो, मुझे इतना चाह रहे हो। सो क्या ये लोग यहीं पर LP में ही शादी कर लेंगे? तो LP में अगर शादी कर लेंगे तो भाई उनका फिर क्या वो नेक्स्ट जन्म लेगी कि नहीं लेगी, क्योंकि वो तो अभी एक सूली है एक वो, तो भाई पता नहीं। दूसरी तरफ अपने क्विंकिंग भाई वो पूरी खुश होती है कि भाई ड्रैगन किंग और चिनियू की शादी होने वाली है। हाँ वाह, इन लोग की शादी होने वाली है, तो इन लोग को चलो इनकी दहेज का व्यवस्था करते हैं और नाच गाने की व्यवस्था करते हैं। देन अपना LP किंग बोलता है कि ये LP है, ये मानव वर्ल्ड नहीं है, यहाँ पर ये सब नहीं होता है। क्या ये सब नहीं होता है? ये सब बगैर शादी कितनी अधूरी लगती है। उन लोगों ने अपना लव टोकन भी एक्सचेंज कर लिया होगा, पता नहीं क्या उन्होंने उसके लिए रेड ड्रेस उन्होंने सेलेक्ट किया होगा कि नहीं। ये सब चीज़ें वो पूरा मतलब बात करने लगती है LP किंग के सामने। तो वो फिर सोचता है लव टोकन, मैंने तो इसे कोई भी लव टोकन दिया नहीं है, मतलब उसने अभी तक क्विंकिंग को कोई लव टोकन तो दिया नहीं है। सो नेक्स्ट एपिसोड में वेट करो भाई क्या ही ट्विस्ट चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस यही बोलूँगा।